Thank you, sir, for showing such motivating words for us. He's one spiritual leader best known for his contributions in Ayurveda, one who has gained a large following for popularizing yoga among Indians through his mass yoga camps. We are blessed to share this time and space with you, Swami Ramdev Ji. We request you and invite you to share your blessings on us with your inspiring words. जरा हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। कुछ ने आवाज लगाई नहीं है, शायद लगता है भूख लग गई है। जरा हाथ उठा के फिर से बोले भारत माता की। वंदे वंदे। अब मुझे लगा कि यहाँ जीवंतता है। आज बहुत बड़ा दिन है एनएच गोयल स्कूल के लिए भी, और बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए भी। दुनिया के 177 देशों ने भारत के योग को पहली बार विश्व में गौरव दिया है, उसके लिए एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। 177 देशों ने विश्व में पहली बार आदरणीय मोदी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनना चाहिए, और भारत की ऋषियों की विरासत को पूरी दुनिया में पहली बार गौरव मिला है। ये भारत का सम्मान है, ये भारत का गौरव है, ये योग और अध्यात्म का गौरव है, और हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रधानमंत्री का गौरव है जो इस देश का प्रधानमंत्री होने से पहले एक योगी है, खुद योग करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते तस्मात योगी भव अर्जुन। हमारे सब पूर्वजों के जीवन की एक बात को कहा जाए तो सब योगी थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान, दयानंद, विवेकानंद, गौतम, कड़ाह, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सब महापुरुष योगी थे। जो योगी नहीं होगा वो रोगी बनेगा। आज यह विश्व में एक बहुत बड़ा गौरव भारत को मिला है, और इस गौरव को हमें अपने जीवन में भी बसाना है। मैं 9 वर्ष की उम्र से योग करता था। जब मैंने योग करना शुरू किया तो मेरा पेट बहुत मोटा था, बचपन में कई बीमारियां थी, दोनों टांगें मिला करती थी, लोग पेटल पेटल कह के चढ़ाया करते थे। 9 साल की उम्र से मैंने योग शुरू किया, और मैंने कहा लोग जिस पेट से मुझे चिढ़ाते हैं आज उस कपाल भाती से पूरा देश हिला। और हमने पेट हिलाया, हमने पेट घुमाया, तो आज योग के पीछे पूरी दुनिया झूम रही है। एक बार मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, और यूएनओ का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनको भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने भारत के योग को इतना ऊंचा गौरव दिया। अब मैं बच्चों की बात पर आता हूं। देखो भाई, हम जिस स्कूल में पढ़े वो इतना बड़ा तो नहीं था, इतना भव्य नहीं था। स्कूल में 3-4 कमरे थे, वो भी बरसात में चुहा करते थे, दिन में वहां चमगादड़ आ जाते थे और रात को कुतिया घुस जाती थी। ऐसे स्कूल में हम लोग पढ़े। मैं आज योग, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ब्लैक मनी, करप्शन, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे हम चेंज करें, कैसे हम जो है देश के अंदर पुलिस सुधार से लेकर के, न्याय क्षेत्र में सुधार से लेकर के, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म, तमाम बातें करता हूँ। लोग मुझसे पूछते बाबा जी आपका एजुकेशन कहाँ पर हुआ है, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है। मैंने कहा भाई देखो, हम तो जब गांव में थे तब शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े, और जब स्कूल में थे तब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के पढ़े। पढ़ते समय बुक हम सेकेंड हैंड खरीदते थे, लेकिन क्लास में पोजीशन फर्स्ट हुआ करती थी। ऐसा मैं बच्चों को देखना चाहता हूं। आपके पास में संसाधन कितने हैं ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं होता है। अभाव और संघर्षों के बीच में भी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां जीवन की तय कर सकता है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ये हमारा सुरेश भाई, इसका भी गांव प्रतापपुर उसी गांव के पास में है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहां अब तक भी ट्रेन नहीं जाती है। ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, वहां कोई आज तक भी सरकारी बस नहीं जाती है। हम लोग बचपन में जब आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा करते थे तब उसको चील गाड़ी कहा करते थे।
उन अभावों में, संघर्षों में, अंधेरों के बीच से हम निकले हैं और आज अपने कदमों से पूरी दुनिया लगभग मापी है। मैंने देश में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और करीब 20 करोड़ लोगों के कार्यक्रम किए। ये मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, आप हौसला रख करके जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं आज बच्चों से 3 बातें कहूंगा और इसको जिंदगी में गांठ बांध के रखना और फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे रोशन होती है। मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम होने की शक्ति दी है, हेल्थ में, फिटनेस में, एजुकेशन में, कैरेक्टर में, सब क्षेत्रों में आप प्रथम कोटि के हो सकते हो। भगवान ने कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया, न किसी जाति का, न किसी मजहब का। फिर आदमी प्रथम बनता क्यों नहीं? बुद्धि की किसी में कमी नहीं है? सबके यही दो हाथ, मेरी तो बचपन की प्रेरणा का आधार यही रहा है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, तमाम हमारे ऋषिमुनि हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, पतंजलि हो, पाणिनि हो, सबके यही दो हाथ थे। आज भी इस दुनिया में जो राजनीति से लेकर के, पॉलिटिकल फील्ड से लेकर के, एजुकेशन फील्ड से लेकर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, एवरीवेयर जीवन का कोई भी एस्पेक्ट हो, किसी कोई भी सेक्टर हो, आज भी जो प्रथम कोटि के लोग हैं, दो ही तो हाथ हैं सबके। और जिनको आज हम भारत में, यदि मोदी जी को हम राजनीतिक दृष्टि से सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ देखते हैं, चाय वाले के घर में पैदा हुआ भाई। आज देश में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, किसी ने 1000 रुपए से, किसी ने 10,000 रुपए से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, आज उनके 1-1, 2-2, 5-5 लाख करोड़ के साम्राज्य हैं। शुरुआत कहां से की थी? शून्य से। आज बिल गेट्स को, वॉरेन बफेट को, जिन्होंने लाखों करोड़ की संपत्ति दान कर दी, वो लोग कहां से पैदा हुए? शून्य से। आज दुनिया में जो प्रथम कोटि के व्यक्ति हैं, वो किसी बड़े खानदान में पैदा नहीं हुए, वो अपनी 3 चीजों से बड़े हुए हैं। वही मैं बच्चों को कहना चाहता हूं और आज मैं कहना चाहता हूं, और आज से 5-10-15-20-25 वर्षों में मैं वो देखना चाहता हूं कि जो मैंने कहा वो बात सच हुई, वो मैं आगे देखूंगा। लेकिन आज वो कहना चाह रहा हूं कि 3 बातों पर आपने ध्यान दिया तो आप दुनिया के प्रथम कोटि के व्यक्ति होंगे, आप दुनिया में विश्व विजयी होंगे, आप एक रोल मॉडल होंगे, आप एक सुपर हीरो होंगे, आपके पीछे ये दुनिया चले, ऐसा आप अपने भीतर वो जज्बा पैदा कर सकते हैं कि आप दुनिया का नेतृत्व करें, लीडरशिप करें। क्या चीजें हो? 3। एक है हमारी प्रतिभा, हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा आईक्यू लेवल। अभी मैं आ रहा था, बोल बाबा जी मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई दवा बनाई है क्या? भैया आंखों की रोशनी जैसे सबकी बराबर है, कमजोर हो जाती है तो थोड़ा बहुत चश्मा आदि लगा लेते हैं। आंखों की रोशनी जैसे सबकी बराबर है, हाथ जैसे सबको भगवान ने बराबर दिए हैं, ऐसे दिमाग भी बराबर दिया है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। दिमाग की कमी नहीं है, कमी किस बात की है? तो दिमाग, प्रतिभा, स्मृति, मेमोरी, प्रज्ञा, मेधा, कुछ भी नाम दीजिए उसको। एक प्रतिभा, तो ये प्रतिभा फिर जगती क्यों नहीं है? जगाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सतपाल जी उदाहरण दे रहे थे। मैं सबसे पूछता हूं, मां बाप भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ये जो जमीन है, मेरे सामने भी जमीन है और खेत की भी जमीन है, जमीन जमीन होती है कहीं की हो, जमीन में तेल होता है कि नहीं? जरा उत्तर दो, जमीन में तेल होता है कि नहीं? जरा आवाज जोर से बोलो ना, होता है। तो आप मिट्टी लो और इसमें से तेल निकालो, निकलेगा? लेकिन इसमें सरसों का बीज बो तो क्या निकलेगा? तेल निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, वो हजारों लाखों टनों में आज तक निकल चुका, आगे भी निकलेगा। इसमें शुगर भी है, लेकिन ऐसी मिट्टी निकालो लो और उसमें से उसको कोलों में पेलो, उसमें से मिठास नहीं निकलेगा, उसमें गन्ना बोना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इस खेत में तेल भी है, इसमें घी भी है, घी कैसे निकलेगा? मिट्टी में से घी कैसे निकलेगा बताइयो? मिट्टी में से घी ऐसे थोड़ी निकलेगा,
उसमें घास बोनी पड़ेगी, वो भैंस को खिलाओ, गाय को खिलाओ, वो दूध देगी, उसमें से घी निकल जाएगा, वो निकला तो जमीन से ही है। जमीन में घी है, जमीन में तेल है, जमीन में मिठास है, जमीन में सारी सुगंध है, सारे पुष्प खिलते हैं। ऐसे ही हर बच्चे में सारी सुगंध है, सारी मिठास है, सारे गुण है। जमीन की तरह है हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी। इसलिए इस शरीर को भी क्षेत्र कहा है और इस जमीन को भी क्षेत्र कहा है। तो जब प्रतिभा सब में एक जैसी है, सामर्थ्य सब में, शक्ति सब में एक जैसी है, तो फिर ये पैदा क्यों नहीं होता अंदर से? तो मैं एक बच्चे से बात कहता हूं, टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट है, टैलेंट तो है साइलेंट है, तो क्या करें? पुरुषार्थ। एक प्रतिभा, मैंने कहा उसको जागृत करने के पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, हार्डवर्क, हार्डवर्क, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। मन उसमें खो जाओ, समाहित हो जाओ। पढ़ाई करो तो पढ़ाई में पूरे खो जाओ। ये नहीं कि पढ़ाई करते समय कार्टून याद आ रहा है, पढ़ाई करते समय क्रिकेट याद आ रही है, पढ़ाई करते समय और कोई दूसरी तीसरी फेसबुक याद आ रही है और कोई ट्विटर याद आ रहा है, कुछ नहीं। पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करो, उसमें खो जाओ। सारी बुक आपको ऐसे उतर जाएगी जैसे स्कैन करते हैं। मैंने तो किया है, मैंने करीब करीब 10 से 15 हजार सूत्र याद किए, 10 से 15 हजार। और एक बार तो एक मन में ऐसा हो गया कि मुझे बहुत जल्दी याद करना है, तो मैंने 2000 वर्ब्स होती हैं संस्कृत में, वो 2000 धातुएं शायद 10 या 14 दिन में याद किए मैंने। आप कीजिए, उसमें खो जाइए तो सारा स्कैन होता चला जाएगा। पूरा कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं खुद को तो थोड़े डीप ब्रीदिंग कीजिए, ऑक्सीजन से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है। पुरुषार्थ, उसमें खो जाओ, स्कैन हो जाएगी पूरी बुक, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारे विज्ञान आपको भीतर से ही है। ये कोई इंसानों ने तो लिखे हैं, कोई फरिश्ता आकर के, कोई खुदा करके थोड़ी किताब लिख के गया। आप लोग, अरे वो आदमी भी तो थे जिन्होंने साइंस की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, ये सारी किताबें लिखी। अरे जब आदमी किताब लिख सकता है तो हम क्या पढ़ भी नहीं सकते? क्या इतनी भी शक्ति हम में नहीं है? ये हौसला होना चाहिए कि जब लिखने वाले आदमी थे तो मैं तो उनकी लिखी हुई बातें पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर तो भगवान ने बहुत शक्ति दी है। पहली बात प्रतिभा, दूसरी बात पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। तीसरी बात पराक्रम। कई बार ना हम हौसला हार जाते हैं, बड़ा काम करने का साहस करो, बड़ा काम करने का साहस करो, छोटी छोटी बातें मत सोचो। आदे कलाम साहब एक बात कहते हैं और ये बात मैं बहुत अरसे से कहता आया हूं, छोटे उद्देश्य के लिए जिंदगी को जीना ये जीवन का अपमान है। छोटी छोटी बातों के लिए जीते हो। मैं भी यदि छोटा सोचता तो आज गांव में हल चला रहा होता। मैं हल चलाना जानता हूं, अभी भी मैंने बैल का भी हल चलाया, ऊंट का भी चलाया है, मैं ट्रैक्टर चलाना भी जानता हूं, मैं फावड़ा चलाना भी जानता हूं, आज भी चलाता हूं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती है। मैंने गाय भैंस का गोबर भी उठाया है और सिर से उठाया है, तसले में भर भर के 10-10, 15-15 किलो। छोटा था तब यहां बीच में गड्ढा हो गया था, इतना गोबर उठाया है, मैं उसको छोटा काम नहीं मानता हूं। लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, जिंदगी में सारे काम करो लेकिन इतना बड़ा सोचो और इतनी मेहनत करो कि दुनिया कहे कि भाई ये है रोल मॉडल, ये है आइकॉन, ये है इस सदी का महानायक, ऐसा बन सकते हो। और ऐसा बनने के लिए आपके माता पिता ने एनएच गोयल स्कूल में बच्चों को भेजा है। आप ऐसा बनिए, हौसला रखो, हिम्मत करो, शौर्य, पराक्रम, बहादुरी, जिद करो और दुनिया जीतो। आजकल तो बहुत चल रहा है शगुफा, छोटा मत सोचो कभी भी जिंदगी में। मैंने कहा मैं छोटा सोचता तो गांव की सीमा से बाहर ही नहीं जाता। जब मैं घर से बाहर निकला तब कितने ताने सुने, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया। सन्यासी बना तब कितने ताने सुने। फिर जब योग शुरू किया, मैंने विरासत में कुछ नहीं पाया कि किसी बड़ी गद्दी पर बैठ गया कि शंकराचार्य की पीठ थी, कोई सिद्ध पीठ थी, वहां बैठ गया। मैं जहां बैठा था वहां तो बैठने के लिए एक छोटा सा कमरा था, टूटा फूटा। आज मैं जहां खड़ा होता हूं, लोग कहते हैं जब मैं जहां शुरू की मैंने जीवन की यात्रा, तब बस
पैर टिकाने के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी। आज मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लोग कहते हैं सारी जमीन बाबा की है। अब यहाँ एनएच गोयल स्कूल में खड़ा हूँ तो बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे शायद इसमें भी बाबा की कोई पार्टनरशिप है, इसलिए बाबा स्पेशल फ्लाइट से चल के आया है। अब मैं जहाँ कहीं गाड़ी में चल रहा हूँ और कहीं लघु शंका करने के लिए उतर जाऊं तो बोले बाबा जी यहाँ शायद बाबा जी की जमीन यही है। अरे भाई ये कोई बात है? लोगों ने कितने विवाद किए, बोले बाबा जी को 1,000 एकड़ का टापू दे दिया, पूरा आइलैंड दे दिया यूके में। अरे मुझे तो लाखों एकड़ जमीन लोग देने के लिए तैयार, और अभी भी मेरे पास करीब 1,00,000 एकड़ जमीन के प्रस्ताव हैं कि बाबा जी अब शिक्षा में क्रांति लाओ, हर जगह आचार्य कोलम बनाओ, इस देश को बदलो, अच्छे नागरिक तैयार करो। 1,00,000 एकड़ जमीन के प्रस्ताव मेरे पास अभी भी, छोटा सोचा ही नहीं जिंदगी में, और रहता कैसे हूं एकदम नंग धड़ंग। अभी भी ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, ना 1 इंच जमीन, ये सब समाज का है, समाज के लिए जमीन पर सोता हूं। ये गोयल का बहुत बड़ा मकान है लेकिन इसके यहां भी दरी बिछा के सोता हूं, कोई ढोंग पाखंड करने के लिए नहीं, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं, मुझे अपनी मर्यादा में जीना है। जमीन पर सोता हूं, इतना सा खाता हूं, छोटा सा पेट है, मेरे चेलों का मेरे से 3-3 गुना ज्यादा है। देखो ये राजेंद्र बैठा हुआ है 15-20 किलो का सामने लटक रहा है अभी भी, और वो नरेंद्र तो वो तो मोटों का बादशाह है। जमीन पर सोता हूं, इतना सा खाता हूं, खाली इसके लिए कि शरीर चलता रहे, और रात को 10-11 बजे सोता हूं, सुबह 4 बजे से पहले 3-3.5 बजे उठ जाता हूं, 4 बजे से मेरे वर्किंग आवर शुरू हो जाते हैं। बड़ा सोचो, बच्चों से 3 बातें कही है मैंने आज, प्रतिभा तुम्हें भगवान ने सबको बराबर दी है, पुरुषार्थ इतना करो कि दुनिया में सबसे आगे, और पराक्रम छोटा मत सोचो, साहस करो, हिम्मत करो, शौर्य स्वाभिमान, आगे बढ़ो। तुम्हारी आलोचना करने वाले भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। स्वामी सिद्धानंद जी का एक वाक्य मैंने पढ़ा था जिन्होंने वर्तमान युग में गुरुकुल परंपरा की नींव डाली, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को आप बिना किसी का विरोध के अपने कार्य में आगे लगे रहना चाहिए, एक दिन तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे समर्थक होंगे और तुम्हें आदर्श के रूप में मानेंगे कि नहीं ये आदमी ठीक है। बड़ा सोचो, तो बस इतनी सी बात कह के कि हमेशा बड़ा सोचो तो बड़े बनोगे, बड़ी सोच खड़ी मेहनत पक्के इरादे के साथ आप आगे बढ़े, खूब खुशहाल हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे एनएच गोयल स्कूल के सभी बच्चे, ये नाम भी एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल है, तो दुनिया में अपने अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, गोयल स्कूल का नाम रोशन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और भाई हमारे सुरेश गोयल जी को भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, इतनी बड़ी सौगात उन्होंने रायपुर के लिए दी, जरा दोनों हाथों से तालियां हो जाए अभिनंदन लगे तो। और आज जो योजना शुरू की है छात्रवृत्ति की, इसमें 50-60 लाख रुपए का साल का खर्चा है। गरीब बच्चे, वो बेटियां जिनकी जिंदगी में अंधेरा है, उनके घरों में अभी अंधेरा है, उनके माँ बाप भी बड़े सपने सजो के बैठे हैं लेकिन उनके पास में अभाव है, पैसे के कारण से किसी बच्चे की जिंदगी रोशन ना हो, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इनजस्टिस है। तो आदरणीय गोयल जी ने आज जो गरीब बेटियों की छात्रवृत्ति के लिए जो IBC 24 शारदा स्वर्णिम छात्रवृत्ति योजना शुरू की है उसके लिए एक बार सबके ओर से बहुत बहुत बधाई है। ये काम बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है, धर्म का काम है, इसे देश में खुशहाली लाने का काम है। इतनी बातों के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और मैं कल्पना मैडम को भी इधर आओ, ये तो एक बात, जो इस स्कूल की जो भी सौगात है उसके पीछे पुरुषार्थ आदरणीय बहन कल्पना जी का, एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए, क्योंकि स्कूल को ये गोयल साहब नहीं चलाते, स्कूल को प्रिंसिपल चलाते, और देश नहीं पूरी दुनिया का कोई भी बढ़िया स्कूल चलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा तप एक प्रिंसिपल का होता है, और इनमें जो दिव्यता है, इनमें जो प्रतिभा है, इनमें जो पुरुषार्थ है, और इनमें जो पराक्रम है, इनका भी एक बार बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपर्णा, इस बेटी का हौसला देखिए, इसके भीतर की आंखें पूरी खुली हुई हैं, बाहर की आंखें चाहे विधाता ने छीन लिया हो, इस बेटी के लिए जोरदार अभिनंदन हो। इसको कहते हैं हौसला, जिस पराक्रम की मैं बात कर रहा था। बहुत आशीष बेटा आपको, बहुत आशीर्वाद।